Hello students, welcome to ODLS classes. This is Anand and today we are discussing about garbage in, garbage out. My dear students, हम इस chapter के second topic पर हैं. First topic का video हम बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं. और इस topic में हम cover करने वाले हैं garbage. तो जैसा कि आप जानते हैं, जो garbage है, उसे हम दो categories में divide कर चुके हैं, biodegradable and non-biodegradable. अब जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसे हम कैसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, उन टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो जो कुछ टेक्निक्स है उस टेक जो तो जो कुछ टेक्निक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट टेक्निक है उसे हम कंपोस्टिंग बोलते हैं. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं कंपोस्टिंग क्या होती है. कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस टू यूज़ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाई कन्वर्टिंग इट इंटू द मैन्योर. तो कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं, मैन्योर. मैन्योर क्या होती है, खाद होती है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दिस वेस्ट कंटेन्स सम न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स विच रिटर्न बैक टू द सॉइल. और इस वेस्ट में कुछ न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो कि वापस से सॉइल में चले जाते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करके ग्रो कर जाते हैं. ओके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये सारी चीज़ें हमारे घर में वेस्ट हो जाती हैं, तो इनका हम मैन्योर बना सकते हैं. अब बात करते हैं कि जो मैन्योर है उसे कैसे बनाया जा सकता है ना, जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग उसे कैसे की जाती है. तो मैन्योर हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो बाय इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है. अब कैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट से मैन्योर बना सकते हैं, सबसे पहले तो टेक अ बिग कंटेनर, हमें एक बिग कंटेनर लेना है. ओके, पुट ऑल द एनिमल्स वेस्ट, फूड वेस्ट, ड्राई वुड चिप्स, जितने भी आपके पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको उस कंटेनर में रख देना है. अवॉइड मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना. और आपको ध्यान रखना है कि मीट है ना, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स उसमें ना डालें क्योंकि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो नाउ मिक्स द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली, और उन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है. एड सम वाटर टू द वेस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट सम मॉइस्चर. और उस वेस्ट में मिक्स करने के बाद कुछ वाटर हमें ऐड करना होता है ताकि वो मॉइस्चर उनमें बनी रहे. देन टेक केयर ऑफ दिस कंपोस्ट पाइल, और हमें इस मिक्सचर का ध्यान रखना होगा. रिमेंबर कीप मिक्सिंग एंड एडिंग द इंग्रेडिएंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. और जब भी आपके घर में कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है आप जाके दोबारा से उस कंपोस्ट में उसको मिला सकते हैं, और आपको कंटिन्यूसली इंटरवल्स में उसे मिलाते रहना चाहिए. आफ्टर सम डेज यू विल नोटिस द डार्क सॉयल दैट स्मेल लाइक अर्थ इज योर फाइनल प्रोडक्ट विच इज नोन एज मैन्योर. और जब आप देखोगे कुछ दिनों के बाद वहाँ पर जो भी मिक्सअप था, जो मिक्सचर था, वहाँ पर एक अर्थ सरफेस के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो क्या है, मैन्योर है. ओके, नाउ यू कैन मिक्स इट विद द सॉयल, यू कैन सो योर प्लांट्स. और आप इसे हर जगह सॉयल पे डाल सकते हैं, सॉयल के साथ मिक्स कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं. ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस प्रोसेस ऑफ रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग. इस तरीके से आपकी जो मैन्योर है वो दिखाई देती है, और इसमें हम जितने भी हमारे घर में है ना जो स्मॉल प्लांट्स होती हैं, फ्लावर प्लांट्स होते हैं, उनको हम रख सकते हैं. ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस जिसके थ्रू हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. सो बर्मी कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डन बाई यूजिंग अर्थ वर्म्स. और जो वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है इस प्रोसेस के थ्रू, वो हम अर्थ वर्म के थ्रू करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बर्मी डिकम्पोजिशन. दिस टाइप ऑफ कंपोस्टिंग इज डन बाई वर्म्स, सो वी क्रिएट द एनवायरमेंट विच इज सुटेबल फॉर द अर्थ वर्म फॉर द देयर सर्वाइवल. और इस प्रोसेस के लिए हमें अर्थ वर्म्स की नीड होती है, और हम एक ऐसा नेचर, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जो कि अर्थ वर्म के सर्वाइव के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना. अब कैसे हमें करना है, देखिए सबसे पहले एक बिग कंटेनर लेना है, जैसा कि हमने कंपोस्टिंग में भी लिया था. मेक्स योर टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर शुड बी मॉडरेट,
और जो टेम्परेचर होना चाहिए कंटेनर का वो मॉडरेट होना चाहिए क्योंकि उसमें हम बॉम्ब्स को भी रखेंगे। एड अ लेयर ऑफ सैंड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ होम फॉर अर्थ बॉम्ब्स, और उसमें एक लेयर डाल देनी है अर्थ और सॉइल की जिसमें जो भी अर्थ बॉम्ब्स हैं वो उसमें रह सकें। नाउ एड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन सैंड टू क्रिएट सम मॉइस्चर, फिर हमें थोड़ा सा पानी मिला देना है जिसकी वजह से मॉइस्चर बनी रहे। देन एड वेजिटेबल एनिमल वेस्ट ड्राई लीव्स है ना, और जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपके घर में हों उन सब को हमें उसमें मिला देना है। बस क्या क्या नहीं मिलाना है ये ध्यान रखना है, जैसे सॉइल्ड हुआ, ऑयल है ना, पिकल, मिल्क प्रोडक्ट, इन सब को हमें उस मिक्सचर में नहीं मिलाना है क्योंकि ये हार्म कर सकते हैं अर्थ बॉम को। ओके, तो हमें ऐसी चीज़ें मिलानी हैं जो अर्थ बॉम के लिए फ़ायदेमंद हों। ओके, नाउ एड सम अर्थ बॉम, और सबसे लास्ट में हमें कुछ अर्थ बॉम्स उसमें डाल देने हैं, रख देने हैं। नाउ कीप एडिंग एंड मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स एट द रेगुलर इंटरवल्स, और हमें क्या करना है जब भी हमारे घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जाके उसे हमें वापस से इसमें मिला देना है और मिक्स कर देना है। ओके, और ये कंटिन्यूस इंटरवल्स में हमें करते रहना है। और नाउ यू विल नोटिस विद इन अ मंथ अर्थ बॉम विल बी डबल्ड, और फिर आपको पता चलेगा कि एक महीने में या फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद जो अर्थफॉर्म्स थे वो डबल हो गए हैं रिप्रोड्यूस करके। एंड देन प्लेस सम वेजिटेबल बेस्ड इन कॉर्नर ऑफ द पिट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एंटायर अर्थफॉर्म विल शिफ्ट टू द वेजिटेबल बेस्ड, और जो भी नया वेजिटेबल बेस्ड आप डालते रहोगे और उस तरफ जो भी अर्थफॉर्म है वो जाते चले जाएंगे और जहाँ पर डिकम्पोजिशन हो चुका है वहाँ से वो छोड़ते जाएंगे। सो रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड कॉर्नर, तो आपको क्या करना है जो कंपोस्ट बन चुका है उसको रिमूव कर लेना है, निकाल लेना है और दोबारा से जो भी बाकी का जो बेस्ट प्रोडक्ट उसे मिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। डार्क सॉइल लाइक बर्मी कंपोस्टिंग रेडी टू यूज़, और जो डार्क कलर की सॉइल के जैसी लेयर प्रोड्यूस दिखाई देती है आपको वो क्या है, आपका कंपोस्ट है जिसे आप जाके अपने फील्ड पे मिला सकते हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।